हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज देखो बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है आप सब लोगों का। आज मैं आप लोगों को मिरर वाली मेहंदी सिखाऊंगा। मिरर बोले तो दोनों हाथों में सेम कैसे लगाते हैं वो डिज़ाइन सिखाने जाऊंगा, क्योंकि वो लगाना बहुत ही मुश्किल है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो। क्योंकि दोनों हाथों में डिट्टू सेम है, क्योंकि ये हम लोग जैसे कैमरा से दोनों साइड कर देते वैसे नहीं है। दोनों हाथों में फ्रंट ऊपर मतलब दोनों साइड मतलब दोनों हाथों में सेम कैसे लगाते हैं वो डिज़ाइन आप लोगों को आज बहुत ही ध्यान से देखनी है। ये देखिए, तीनों डिज़ाइन देख रहे हैं, तीनों डिफरेंट में हैं और तीनों के ऊपर की शेप अलग है, लेकिन तीनों हाथों में सेम डिज़ाइन है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कुछ मिरर डिज़ाइन ब्राइडल मेहंदी, दोनों हाथों में जो सेम मेहंदी कैसे लगाते हैं बहुत ईजी तरीके से। और ब्राइडल मेहंदी है, मतलब है तो ब्राइडल मेहंदी ही, बट मिरर डिज़ाइन बोलते हैं इसको। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि दोनों हाथ एक साथ रख के दोनों की पहले लेंथ में लानी होती है, बारीक कोण से पहले दोनों को हम सेट कर लेंगे, ताकि हमारी लेंथ है जो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये दिख रहा है ना, ऊपर वाला डिज़ाइन ये आ गया। ऐसे पहले दोनों लाइनिंग खींच लेनी है हमको, उसके बाद ऊपर बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला जो बेसिक ब्राइडल मेहंदी है। आज मेरा मतलब मैं ये डिज़ाइन क्यों बना रहा हूँ, उसमें एक रीज़न है। क्योंकि देखो अब फेसेस वाली डिज़ाइन स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि सब अब मैं लीफ मतलब लिप्स, आईब्रो और उनके फेसेस, साइड वाला फेस, वो सभी डिज़ाइन स्टार्टिंग होने वाले हैं। अब मतलब थोड़ा सा हमारा काम ऑफ होने वाला है, और उसके बाद में ये समझ लो रेगुलर क्लास अब चलती रहेंगी, और एक से बढ़कर एक बहुत ही बहुत सुंदर वीडियो आने वाली है। और ये वीडियो मेरे बनाने का इसी मतलब ऐसा ये रीज़न है कि इसमें कि आप लोगों को कहाँ पर ब्राइडल सेट करनी है, कहाँ पर दूल्हा दुल्हन बनानी है वो सभी। और ये दोनों हाथों को मैंने ज़्यादातर इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों का और भी ज़्यादा हाथ सेट हो जाए और भी आप ज़्यादा अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये समझ लो आज की वीडियो इतनी इतनी मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाने वाला हूँ मैं, और आई होप आपको लोगों की भी ये ज़रूर पसंद आएगी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, हमारा जो डे वन है, जो मतलब ब्राइडल मेहंदी क्लासेस जो मैंने स्टार्ट की थी, तो उस पर 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच सारे व्यूवर्स को और माई यूट्यूब फैमिली डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और 20,000 लाइक भी हैं और काफ़ी सारे 500+ के कमेंट्स भी हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये समझ लो कि अब ऐसे ही वीडियो अच्छी अच्छी आने वाली हैं। वो तो डे वन था हमारा, छोटी छोटी बेसिक क्लासेस थी, लेकिन अब जो डिज़ाइन आने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस होने वाली हैं, एक से बढ़कर एक। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी अच्छे आर्टिस्ट बन जाइए। तो प्लीज़ ये समझ लो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखनी है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। और दोनों हाथों में सेम मेहंदी कैसे लगाते हैं, क्या क्या स्टार्ट करते हैं कैसे, वो सभी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो देखिए अभी जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, वो तो आपको बनाना ही है, बातें कर रहा हूँ बातों के साथ साथ डिज़ाइन भी साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखना है। और उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी हिंट्स और भी बातों का मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो भी आप लोगों को ध्यान से सुनना है। तो देखिए अभी जो बेसिक बन रहा है इस तरीके से बनाइए, और अभी साथ पे स्टार्ट करूँगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोगों को डार्क लाइनिंग कर देनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आज की वीडियो में। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि उस दिन के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं मंडे को जो 3 साढ़े 3 बजे अब लाइव आया था, एक्चुअली उसमें कुछ रीज़न एक था कि सबसे पहले मेरा माइक ख़राब हो गया था। माइक ख़राब होने की वजह से आवाज़ साफ़ नहीं जा रही थी, और उससे भी बड़ी बात कि जब मैं लाइव आ रहा था तो फेस बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था, पता नहीं क्यों, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्यों, तो इसलिए हमारी बात अच्छे से हो नहीं पाई। बट अब जल्दी से मैं माइक अपना ठीक दूसरा वाला मंगाया, ये तो रिकॉर्डिंग वाला, एक दूसरा आता है जो लाइव वाला होता है, वो अलग माइक होता है, वो मंगाऊँगा जल्दी से जल्दी। तो उस पर अब मैं लाइव भी बहुत जल्दी आऊँगा, और उसमें और भी आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूँगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये समझ ले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आती ही रहेंगी, एक से बढ़कर एक ब्राइडल मेहंदी कोर्सेज आएंगी, कभी अरेबिक डिज़ाइन आएंगी, लेकिन 50 क्लासेस होंगी वो तो खैर हमारी एक से बढ़कर एक होगी होगी। तो देखो आज ये जो दोनों देखो दो हाथ दिख रहे ना, एक इस तरफ एक उस तरफ, इन दोनों में सेम टाइप बनाऊंगा, लेकिन कुछ छोटा छोटा चीज़ मैं छोड़ूंगा अभी। क्यों छोड़ूंगा, क्योंकि वो आप लोगों को कंप्लीट करके मुझे टैग करना है, मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगा या फिर अपने यूट्यूब पर आप लोगों की स्टोरी ज़रूर लगाऊंगा। तो देखिए इस तरीके से लीफ, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन ये ऊपर का डिज़ाइन है, मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस तरीके से बनाने में दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आज आप लोगों को, बहुत ही
बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब लोग हम ब्राइडल मेहंदी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले गलती करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग लाइनिंग खींच के फिर दोनों हाथों में ऊपर का जो डिजाइन है वो अलग अलग बनाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले जैसे मैंने लाइनिंग नीचे खींची हुई है बेसिक डिजाइन की, और देखो दोनों हाथ मैंने बनाए हुए हैं, ये दोनों इस तरीके से लाइनिंग खींच के आप लोगों को ऊपर का डिजाइन, कोई भी ब्राइडल हो, चाहे वो 10,000 की ब्राइडल हो, चाहे 5,000 की, चाहे 3,000 की हो, चाहे जितनी भी एक्सपेंसिव हो, आप लोगों को शुरुआत में जो दोनों हाथों के वो सेम बनाने की कोशिश करना। उसके बाद में नीचे आप कितना भी डिफरेंट बना लोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डिज़ाइन जो ब्राइडल होती है उसकी लुकिंग बहुत ही सुंदर आती है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना। हाँ, अगर कस्टमर बोले कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप करना कि मैडम ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग पहले तो दोनों हाथों में सेम बनाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज़ जब कस्टमर कहते नहीं भाई जब मुझे डिफरेंट चाहिए तो हम लोग फिर चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो ये जलेबी स्टाइल वगैरह ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन आप लोगों को सेम बनाने की तरकीब बताऊँगा, और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आप लोगों को डिज़ाइन ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिए बहुत ही सुंदर वीडियो बनने वाले, और जो ये हाथ बनने वाला है तो बहुत ही अमेजिंग बनाने वाला हूँ मैं आज, क्योंकि इस तरीके से मैंने और भी 5-6 वीडियो अपलोड की हुई हैं, लेकिन प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। देखो मैंने ऊपर आई बटन दिए हुए हैं, ये ब्राइडल डिज़ाइन है, क्योंकि ये जो भरे हुए हाथ होते हैं ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये ब्राइडल डिज़ाइन होते भरे हुए, इस टाइप से कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें क्या एक छोटे छोटे लीफ बता देते हैं और छोटी छोटी अम्बीज बना देते हैं, और उसके बाद में डे 1 डे 2 इस तरीके से सिखाते हैं। और मैंने तो कई वीडियो ऐसी भी देखी हैं कि जिसपे 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ हैं, और जब मैंने उन वीडियो को देखा है तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें क्या छोटे छोटे पैटर्न बना के और 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। और सही बता रहा हूँ मैं सीरियसली, कि जिस तरीके से मैं क्लासेस दे रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी चैनल पर इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाकर किसी को नहीं देखा है। अब पता नहीं आप लोग सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे, बट मुझे कल एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि 3-4 लड़कों ने मुझे टैग किया था, उन्होंने डिज़ाइन बना के, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि सर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कौन पकड़ना सीखा है आपके यूट्यूब चैनल से। और जब मैंने उनके डिज़ाइन देखे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे हाथ का है कि उनके हाथ का है। मैंने कहा भैया स्क्रीनशॉट ले रखा है कि नहीं भैया हमने खुद बनाया है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं थैंक यू सो मच आप लोग, और इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ अपने जो क्लासेस हैं वो लाइव रखें, मतलब और भी कंटिन्यू डालते रहें, प्लीज़ इसको स्टॉप मत करना। तो मैं दिल से बोल रहा हूँ मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा, भाई बहन जो भी हैं मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सब मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ हैं, मेरा मकसद यही है कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी जितनी अच्छी हो सके उतने अच्छे आर्टिस्ट बनो, और अपना खुद की अर्निंग अपना कमाओ जो परिवार में है, क्योंकि कई जगह तो ऐसा होता है कि गांव दूर दूर है और पर कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिलता है, तो अपने गांव में ही लगा के थोड़ा बहुत इनकम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, आप गांव बैठ के अपने घर पर बैठ के अपना खुद की क्लासेस शुरू कर सकते हैं, खुद भी अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत जल्दी से जल्दी अच्छे आर्टिस्ट बनो, और मैं नहीं चाहता मेरा नाम चाहिए, मेरा नाम कोई फ़ायदा नहीं है मेरे नाम से। सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा, तो ये समझ लो पीछे किसी का भी हाथ हो कोई भी हाथ हो वो महत्व नहीं है, लेकिन आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ ये महत्व है। तो देखो दूसरा हाथ मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ देखना। देखो पहले पे मैंने 2 लाइनिंग खींच ली थी दोनों साइडों में, दोनों हाथों में। क्यों खींची थी, क्योंकि सबसे पहले जब मैं ब्राइडल मेहंदी स्टार्ट करता हूँ तो दोनों हाथों में अगर मुझे सेम लगानी होगी, पहले मैं ब्राइडल से पूछ लेता हूँ मैडम ऊपर वाला पैटर्न सेम बना सकता हूँ कि नहीं। कस्टमर बोलते नहीं भैया मुझे पूरा डिफरेंट चाहिए, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर वो बोलते भैया ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं बनाओ, तो हम दोनों हाथ पे लाइनिंग खींच के ऊपर का डिजाइन सेम बनाएंगे, फिर नीचे आप लोग पूरा चेंज कर सकते हो नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सिमिलर ही होना चाहिए ताकि ब्राइडल की लुकिंग अच्छी आए। तो देखो बहुत ही प्यारा डिजाइन बनने वाला है, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और खुद अपने एक परफेक्ट आर्टिस्ट खुद बनिए, ठीक है। और कहीं भी आप पैसे वैसे मत दो, क्योंकि कई मुझे तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर फीस ले लो, पे मेहंदी सिखा दो फीस ले। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जितना मैं यूट्यूब पर इतने अच्छे से शांति से आप लोगों को समझा देता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पास ऑफलाइन मेहंदी सीखोगे तो इतने अच्छे से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। क्यों, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, टाइम निकाल के बड़ी बहुत मुश्किल से ये समझ लो वीडियो बना पाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये समझ लो कि बस ठीक है जैसे भी चल रहा है, तो
ऑफलाइन ऑफलाइन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इतनी अच्छी फ्री में, तो बस ज्ञान लीजिए यार। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों 10-20-25 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हो? तो अपने जैसे, हाँ मैं एक चीज़ और बता रहा था, वो गांव वाली बात बता रहा था, तो कई लड़कियों के मैसेज आए कि सर मैं अपने गांव में यहाँ पर कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं, 50 किलोमीटर तक, 60 को 100 किलोमीटर तक। मैंने कहा भाई कहाँ से थी वो, सीज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, पता नहीं सही इधर साइड से ही थी। तो मैंने फिर कैसे कि सर मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस 2 महीने सीख रही हूँ और मैंने सिर्फ ब्रेडर लगाना स्टार्ट कर दिया और सारे मुझे बहुत अच्छा आर्टिस्ट मानने लगे हैं। तो वो बोल रही थी कि सर आप क्लासेस रेगुलर चलाना। तो कोई बात नहीं, रेगुलर ही चलेगी, ये क्लास छूटने वाली नहीं है। तो देखो दोनों दोनों हाथों पे सेम बन गया। देखो डिजाइन के साथ साथ बातें भी होंगी और बहुत कुछ होता रहेगा ये समझ लो, क्योंकि पिछले हमारे संडे को वीडियो नहीं आई थी, तो इसलिए ये हमारी वीडियो पहले आ गई है, इसी इसीलिए पहले आएगी क्योंकि पिछले संडे मिस हो गया था लाइव की वजह से, बट लाइव भी अच्छे से आ नहीं पाया मैं। इस बार बहुत ही शांति से और बहुत माइक वगैरह लेके अच्छे से तब लाइव आऊँगा और सिस्टम पे आऊँगा कैमरे में, तो अच्छे से आप लोगों के रिप्लाई कर सकूँगा। और हाँ एक चीज़ की कमेंट्स और आ रही थी मेरे पास कि सर मुझे एक चीज़ बताओ कि ब्राइडल मेहंदी कैसे बैठ के लगाएं। तो देखो बैठने का क्या, तीन अगर आप दो लड़कियां हैं एक ब्राइड है, तो अगर एक पैर पर लगा रहा है तो लड़की को चेयर पे बैठाओ और एक मतलब पिल्लो ले लो तकिया, उनका हाथ रख के आप भी चेयर पे बैठो, ब्राइडल की चेयर पे बैठाओ और उनका हाथ पिल्लो पे रख के तब आप लोग मेहंदी लगा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रही थी, तो चेयर पर बैठ के प्लीज़ मेहंदी लगाएं, स्टूल बिस्टूल पर ना लगाएं, क्योंकि चेयर पर बैठ के लगाओगे तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स आने वाला है थोड़े बहुत दिन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं, रिप्लाई कर दिए लेकिन बहुत सारे अनरिप्लाई वाले भी हैं, तो उनको एक बॉक्स बना के सबको 1 महीने का जितना भी टारगेट है अच्छे अच्छे कमेंट्स में और सबको रिप्लाई करके एक वीडियो डालूंगा मैं, सबके क्लियर डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूंगा मैं। तो ये देखिए दोनों हाथ अब हमारे दोनों सेम लग रहे हैं, 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा जो डिजाइन 19-20 चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है कि जैसे हम लोग क्या होता है कभी कभी, एक हाथ पे अगर कोई कस्टमर बोलता है ना कि सर मुझे बिल्कुल सेम चाहिए, तो उसमें क्या करना है कि जैसे सेम बिल्कुल ही चाहिए, तो हमें पहले कोई भी अगर लाइनिंग बना रहे तो दोनों हाथों में पहले मैचिंग कर लेंगे, उनकी लेंथ बना लेंगे। अब जैसे मैंने 3 लाइनिंग ये खींच दी, अब 3 लाइनिंग खींचने के बाद मैं इसको लेंथ बनाऊँ कहाँ से स्टार्ट करूँगा ताकि ये भी उसके मतलब सेम आए, क्योंकि जब हम दोनों हाथों के ज्वाइंट करें तो ये नहीं लगे कि वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है। 19-20 चल जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत हम फर्क पड़ जाता है, जेरोक्स कॉपी नहीं होते हम लोग, बट कोशिश करेंगे कि डिट्टू सेम बनाने की, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिट्टू से बनाओगे तो उसको परफेक्ट आर्टिस्ट बोलते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी कीड़े मकोड़े मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे हम लोग ब्राइडल पैसे नहीं देगी या लड़ाई हो जाएगी, तो वो चीज़ मत करना आप लोग। ठीक है, चलो एक बेसिक डिज़ाइन इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे डिज़ाइन में। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है ये, हमारी सिर्फ हाफ एन आवर की, आधा घंटे की वीडियो है, और जो भी क्लियर है, जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ आप लोगों को। अगर कोई रह जाता है अनरिप्लाई वाला, तो उसके लिए तहे दिल से मैं सॉरी चाहता हूँ। और इस बार वीडियो ना आने के लिए उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि क्या होता है कि मैं कुछ और के चक्कर में था कि अच्छे समझा पाऊँगा, बट नहीं समझा पाया। देखो अब ये दोनों में क्या बनेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका मैंने थंबनेल एक्चुअली लगा रखा है कि क्या बनाना है, तो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। चाहो तो इसमें जलेबी वाला डिज़ाइन भर सकते हो, बट और कहीं भरेंगे, लेकिन हम इसमें चेक भरेंगे। इसमें रीज़न क्या चेक भरने का, क्योंकि ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन जब कलर आता है ना तो अच्छे अच्छे डिज़ाइनों की ऐसी तैसी कर देता है डिज़ाइन, इसको बोलते हैं लेटेस्ट 3D चेक, नहीं मतलब लेटेस्ट 3D बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उसको तो आप, क्योंकि ये पुराना है और लेकिन लाजवाब है, ये कलर आने के बाद बहुत ही सुंदर खिलता है डिजाइन। एक्चुअली क्या है ना, ये जो स्टूडियो है मेरा मेहंदी और टैटू का जो स्टूडियो है, यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा आती है आजू बाजू से, क्यों मेन रोड पर मेरा स्टूडियो मार्केट है, मेन मार्केट है, तो यहीं बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ, और जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आजू बाजू से थोड़ी बहुत आवाज़ आती ही आती है, फिर भी मैं थोड़ा सा लेट बनाता हूँ तो शांति से फिर भी आवाज़ आएगी, बट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आप लोगों के पास क्लियर पहुँच ही रही है।
तो ये देखो कितना सुंदर चेक लग रहा है। बेसिक पुराना डिज़ाइन है, बट कई बार क्या होता है कि अगर हम पुराने डिज़ाइन अच्छे से फिनिशिंग से बनाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो देखो परफेक्ट लग रहा है ना, इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना परफेक्ट वाला डिज़ाइन। तो ये सब चेक बनाना तो बहुत ही इजी तरीके हैं और बहुत ही आसान है, बट सबसे मेन चीज़ क्या है, डिज़ाइन अटैच करना, डिज़ाइन को कहाँ पर कौन सा शिफ्ट करना है, कहाँ पर क्या बनाना है, वो सब बहुत मेन चीज़ होती है और वही चीज़ हम लोगों को सीखना है। डिज़ाइन तो आप भी बना सकते हो, ये नो प्रॉब्लम, बट हाथों में मेन चीज़ क्या है, फिनिशिंग लाना और डिज़ाइन को कहाँ पर सेट करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब चीज़ हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, मतलब रखना है। तो ये देखो इतना डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके साइड में क्या बनाते हैं वो बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो लीफ वाला डिज़ाइन होता है मैंने बता दिया है, बट लीफ को साइड वाला फिलिंग करना नहीं बताया है। तो इसी तरीके से हर वीडियो में कुछ नया आएगा, नया आने के बाद भी उसके अंदर कुछ नई नई टिप भी दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि हर वीडियो में आप लोगों को कुछ डिफरेंट लगे, ये नहीं कि डिट्टू सेम बना देते, नहीं। क्योंकि अरे हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, कल मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी तो उसका था डे 70। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं जो ब्राइडल मेहंदी क्लासेस में डे 4, 5, 6 में सिखा चुका हूँ, वो डे 70, 80 में सिखा रहे हैं। बताओ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, आप लोग 80, 90 क्लासेस बता रहे हो लेकिन उसमें कुछ तो बताइए। मैं जो 50 क्लासेस, जो 50 दिन की क्लासेस में आप लोगों को दूंगा, वो 100, 150 क्लासेस वाले भी नहीं दे सकते, 200, 250 क्लासेस वाले भी नहीं दे सकते जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो देखो ये लीफ वगैरह मैंने आप लोगों को ये मतलब बनाना बताई दिया है, और आई होप आप लोग भी ये सीख गए होंगे। तो प्लीज़ इसको बहुत ही शांति से और फिनिशिंग से आप लोगों को बनाना है। और देखो अब ये क्या चीज़ है, देखो मैं टच कर रहा हूँ उस पर, उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, जैसे साइड में हम लोग स्पेस दे के ये लाइनिंग बनाते हैं, लेकिन नहीं, मैं हर लीफ पर टच कर रहा हूँ उसको, डिज़ाइन को टच करने से फ़ायदा क्या है, अभी देखो इसमें फिनिशिंग क्या चीज़ आएगी। क्योंकि अगर हम लोग उसको जगह छोड़कर बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, पर टच करने का एक रीज़न है कि अगर आप इसको दूर से देखोगे और पास से भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। तो ये देखिए इतना हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए अब इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी बनाऊँगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, तो इसीलिए शांति से वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बट हाँ ये बेसिक डिज़ाइन में थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग बना ही लेते हो, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, और ये बनाना भी कैसा है वो भी मैंने वीडियो में 2-3 बार आप लोगों को प्लीज़ समझा दिया। तो वही चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है कि ये बेसिक डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ इसको कैसे बनाते हैं, और इसको बनाने के हर टाइप से मैंने आप लोगों को टिप दे चुका हूँ। तो प्लीज़ हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और कुछ नया आता रहेगा इस तरीके से देखें। तो देखो कितना परफेक्ट हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है, इसको बोलते हैं मिरर मेहंदी डिज़ाइन, दोनों हाथों मिरर बोले तो सेम, आमने सामने दोनों हाथों में सेम डिज़ाइन। तो देखो फिलिंग करने का अब जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि फिलिंग जो मैं कर रहा हूँ ये टच वाली फिलिंग है, ये दूर वाली फिलिंग नहीं है, टच वाली फिलिंग है। टच बोले तो हर लीफ पर ये डिज़ाइन टच हो रहा है। तो ये देखो कितना परफेक्ट डिज़ाइन और शांति से फिनिशिंग से बना रहा हूँ मैं, इसी तरीके से आप लोगों को शांति से और फिनिशिंग से बनाना है। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा, और इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा म्यूजिक चला देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारा बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारा समझा भी दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो काफ़ी लोग वीडियो स्किप कर देंगे, सर बहुत बोल रहे हैं पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे। अगर मुझे एक चीज़ और बता देना, अगर आप लोगों को कुछ कुछ ट्रिक नहीं चाहिए, अगर बोलना पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दें, म्यूजिक भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट का थोड़ा म्यूजिक अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग और थोड़ा सा डिज़ाइन देख सकें, ठीक है।
Thank you.
तो देखो हमारा इतना यानी कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि एक ये वीडियो किसके लिए है, ये वीडियो इसके लिए थी क्योंकि आप लोग ब्राइडल मेहंदी दोनों हाथों में सेम कैसे लगाते हैं उसके पर्पज़ थी, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन मैंने बनाई थी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और आई होप पसंद भी आनी चाहिए क्योंकि देखो आप भी बहुत मेहनत से सीख रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग भी इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे और जैसे मैं टच करके बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ही आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना, और नई नई वीडियोस देखने के लिए, नई नई ट्रिक्स आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। और प्लीज़ अब आप लोग भी रेडी हो जाइए क्योंकि अब जो डिज़ाइन आने वाले हैं वो फेसेस शुरू होने वाले हैं। फेसेस मीन साइड वाला फेस, दूल्हा दुल्हन कहाँ पर हम लोग मतलब ऐड करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो सभी बहुत बहुत सुंदर डिज़ाइन आने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले लिप्स का टाइटल बताऊंगा, फिर आईब्रोज़ के टाइटल बताऊंगा, और फिर साइड फेस में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सा हेयर होता है, हेयर कट में कौन सा वो लगाते हैं, ये सब मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब लोग अब आप लोग रेडी हो जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब आप लोगों को। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, और जो मैंने ये साइड वाला छोड़ रखा है ये इसीलिए छोड़ा है, प्लीज़ इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये मेरा काम था आज का पर्पस बताना, ये मैंने पूरा इतना कंप्लीट किया, सिर्फ छोटा सा डिज़ाइन छोड़ा, इसको अब आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, कितना ये पीकॉक बनाना, चेक बनाना, और ये जो मैं लीफ बना रहा हूँ ये बनाना है, तो प्लीज़ ये ज़रूर बनाना आप लोगों को। और मुझे मतलब टैग करना है, इंस्टा पर टैग कर दो, या मुझे कहीं भी टैग कर दो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, या कहीं भी उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो यही थी, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को डिज़ाइन ये कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग चलो कमेंट्स करके नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट प्लीज़ आप लोग सीख जाओ, बस मेरा मतलब यही चीज़ है, यही पर्पज़ है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम हमने डिट्टू बनाने की कोशिश की है, और प्लीज़ पर मुझे पता, मुझे बताना कि डिट्टू बनाए कि नहीं बनाए, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जैसा मैंने बनाया है ऐसा भी आप लोगों को बनाना है। तो इसकी फिनिशिंग देखिए, इसकी डिज़ाइन देखिए, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। थोड़ा बहुत कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बट हाथों पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, इस पे चल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ सरप्राइज़ लेके। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्या बताऊँ, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।